ओके जी, अब हीट को डिफाइन करना था हमने, तो उसको डिफाइन कर लेते हैं। लिख लो जरा, हीट। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज द सम ऑफ विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन एन ऑब्जेक्ट और अ सिस्टम। इट इंक्लूड्स काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, तीन है। फिर एक डेफिनेशन और है, वो भी लिख लो जरा। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑन प्लेसिंग देम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज नोन एज हीट एनर्जी। द हीट फ्लोज फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर is known as heat energy. The heat flows from object at higher temperature to object at lower temperature. एक डेफिनेशन और भी है, वो भी लिख लेते हैं। The part of internal energy, which is transferred from one body to another due to temperature difference is known as heat energy. Therefore, heat energy is said to be the internal energy. Heat energy is said to be the internal energy in transit. In transit, TRANSIT. Transit यानी जो travel करती है। अब ये definitions पढ़ के देखो, समझ में आई है?
हाँ जी समझ में आया। हाँ जी हो गया। अच्छा ऐसे ही अगर टेम्परेचर को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है जी, तो लिख लेते हैं टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। फिर इसको एक और ढंग से भी डिफाइन कर सकते हो। देखो हम किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे के साथ कांटेक्ट में ला के रखेंगे तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो जिस ऑब्जेक्ट को हम लाए हैं उसका टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, यदि इसका टेम्परेचर हाई है तो हीट एनर्जी इससे दूसरे वाले में फ्लो करेगी, इसका लो है तो इस वाले से इसमें फ्लो करेगी, और यदि बराबर है तो नहीं फ्लो करेगी। ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहां से भी आप टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हो कि वो वाली प्रॉपर्टी या कंडीशन जो किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ रखने से डिसाइड करती है कि हीट फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, उसको हम टेम्परेचर कह सकते हैं। देख लो, द कंडीशन और प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ which decides the direction of flow of heat energy when placed in contact with another object is known as temperature. अच्छा तुम लोगों ने थर्मोमीटर सुने होंगे, घर में थर्मोमीटर देखा होगा जो फीवर नापने के लिए होता है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? हाँ? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 310। ठीक है, तो हमने यहां तीन स्केल्स की बात करी, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तीन साइंटिस्ट के नाम है जिनपे स्केल बने हुए हैं। ठीक है, अब इसमें जो केल्विन स्केल है इसका एक और नाम भी है, एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं, हम इन दोनों पे ध्यान देते हैं, सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट पे। दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना अपना एक स्केल डिवाइस किया। अब तुम में से कोई एक चाहता है कि मैं अपने नाम का एक स्केल चलाऊं, ठीक है, किसी का मन कर गया तो वो भी ऐसा कर सकता है किसी की इच्छा ऐसी? चलो आदित्य की इच्छा है, ठीक है। अब आदित्य का मन किया कि आई एम ऑल्सो अ गुड साइंटिस्ट,
तो मेरे भी नाम पे होना चाहिए। तो उसने क्या किया, मार्केट में गए, एक थर्मोमीटर लिया और उस पे जितने निशान लगे थे वो सब मिटा दिए। ठीक है, अब उस साफ किए थर्मोमीटर को इसने आइस में रख दिया। आइस कितने डिग्री सी पे मेल्ट होती है? जीरो डिग्री सी पे मेल्ट होती है। ठीक है, तो मेल्टिंग आइस पे इसको रखा, दैट मीन जीरो डिग्री सी पे रखा, और ये देख लिया कि थर्मोमीटर का लेवल कहाँ इंडिकेट करता है। राइट आदित्य, तेरा फेवरेट नंबर क्या है? थ्री। तो ये जहां पे आइस मेल्ट हो रही थी उसको इसने रख दिया 3 डिग्री A, 3 डिग्री आदित्य। ठीक है, फिर इसको गर्म करना शुरू कर दिया, आइस सारी पिघल जाएगी, पानी बन गया, अब वो गर्म होना शुरू हुआ। गर्म होने लगा तो थोड़ी देर बाद वो उबलना शुरू हो जाएगा। जब बॉयल करने लग गया तो इसने दोबारा से देखा कहां पर रीडिंग आ रही है, वहां पे दूसरा निशान लगा दिया। अब कोई बड़ा नंबर बता दे जो तुझे पसंद हो। 22। ठीक है, तो ये आ गया 22 डिग्री आदित्य। अब 22 और 3 में कितना डिफरेंस है? 19 का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 18 इक्वली स्पेस लाइंस मार्क कर दी। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 22 तक यहां पर सारी रीडिंग आ गई, सारी मार्किंग्स आ गई। ठीक है, अब ये बन गया आदित्य स्केल ऑफ टेम्परेचर। राइट नाउ उसके बाद क्योंकि उसको फेमस होना, उसने तुम सबको ये वाला ऐसा एक थर्मोमीटर सबको बांट दिया, पूरे स्कूल में बांट दिया, अड़ोस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, सब में बांट दिया। तो आफ्टर सम टाइम सारे के सारे लोग इसी टेम्परेचर पे स्केल को मेजर टेम्परेचर को मेजर करने लग गए। तो लाइफ बड़ी स्मूथली चल रही है। फिर एक दिन किसी का रिश्तेदार दिल्ली से यहाँ आता है या किसी और शहर से यहाँ पे आता है, तो बोलता है कि आज कितना टेम्परेचर है? तो किसी ने उसको बताया कि आज टेम्परेचर है 8 डिग्री A। तो उसको पता नहीं बेचारे को कि कितना है ये। राइट, तो उसको उसको आदत पड़ी है सेल्सियस की, वो इसको कन्वर्ट करना चाहता है। तो वो क्या फॉर्मूला लगाएगा? यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो सब जगह पे लगाया जा सकता है। जो भी रीडिंग है स्केल की माइनस, अब देखो हमने स्केल को दो पॉइंट्स पे बेस किया, एक नीचे वाला पॉइंट था, एक ऊपर वाला। इसे बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, ये है अपर फिक्स पॉइंट। तो रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये आसान सा फॉर्मूला है। अब हम इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 8 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट है 3 अपॉन 22 माइनस 3 इक्वल टू, सेल्सियस में करना था तो सेल्सियस में जो आएगा उसे एक्स मान लिया। सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0 डिग्री C जिस पे आइस मेल्ट होती है, अपॉन 100 माइनस 0। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5/19 इक्वल टू x/100। एक्स निकाल सकते हैं कितना है? कितना आएगा? बता दो अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। ट्वेंटी फाइव से बड़ा आएगा क्योंकि नीचे 20 होता तो 25 आ जाता। चलिए हम 25, 26 मान लेते हैं। तो दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर स्केल्स वर्क। तो कभी भी आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना हो,
फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना हो या रूमर स्केल में करना हो या आदित्य स्केल में करना हो तो फॉर्मूला सेम रहेगा। आया समझ में? ठीक है जी, तो इसको हम नोट भी कर लेते हैं। हेडिंग लिख लो, टेम्परेचर स्केल्स बेस्ड ऑन फिक्स्ड पॉइंट्स। टेम्परेचर स्केल्स बेस्ड ऑन फिक्स्ड पॉइंट्स। निश्चित बिंदुओं पर आधारित, निश्चित बिंदुओं पर आधारित क्या होगा आगे? तापमान मापदंड। चलिए जी, इसमें पहली डेफिनेशन लिख लो, लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट, द टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग आइस is considered the lower fixed point. And acha sorry, second definition likh lo to upper fixed point. The temperature corresponding to boiling water। आवाज आ रही है सबको?